two different topics, and these are the most important topics that you should know about in the pediatrics. Number one is the hypertrophic pyloric stenosis. Another one is transduction. We will also discuss about the foreign body. So first we discuss about this case. A 3-week-old firstborn male. Now we should look at this case, and it shows that baby is of 3-week-old, right? The first clue is 3-week-old. The other is the male infant. The third one is projectile vomiting, which contained the ingested formula but no bile. So here is the ingested formula, but there is no bile. And his body weight was 2.5 kg. And serum electrolyte between and potassium is below than normal 2.2 milliequivalent per liter, and chloride is also less than the normal. It is 86 milliequivalent per liter, and blood pH is 7.68. We will discuss what type of blood acid-base disorder is this. This infant was also noted to have a systolic murmur. Her breast at the second intercostal space along with the left sternal border, which was assessed by a cardiologist and diagnosed as ventricular septal defect. So we should also know that is there any association of these two diseases. So can anybody tell me the diagnosis of this case? Any one of you people, please. Hypertrophic pyloric stenosis. Yeah. Okay. Yeah, this was a case of pyloric stenosis. So first we go through the presentation, then we will have discussions later on. Hypertrophic pyloric stenosis. What's the abnormality with this type of disease? Hypertrophy of circular muscles of pylorus, resulting in constriction and obstruction of gastric outlet. तो जिसकी वजह से पेशेंट को वोमिटिंग होती है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है और जिसकी वजह से गैस्ट्रिक इम्प्लीटिंग भी नहीं की होती। होता क्या है, ये 1:350 बर्ड्स के अंदर होती है और ये मेल के अंदर होती है, जो कि मैंने आपको बताया था कि उस केस में देखी कि मेल है और प्री मच्योर होते हैं, 2 to 8 weeks ऑफ लाइफ के अंदर होता है और प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है, इधर भी इन्होंने बताया हुआ है, और फीडिंग के बाद होती है और वेट लॉस होता है उसके अंदर भी। इसका वेट 2.5 केजी था और अगर ज़्यादा सवेर हो जाए तो जॉन्डिस वगैरह भी हो सकता है। तो दैट वाज टिपिकल सिनेरियो ऑफ द पाइलोरिक स्टेनोसिस। एग्जामिनेशन के अंदर हमें क्या मिलता है, इसकी बहुत ही कॉमन फाइंडिंग जो हमें एग्जाम में आती थी हमेशा ही, क्या होती है वो 1.5 to 2 centimeter पैल्पेबल ओलिव शेप मैस फील होता है राइट एपिगैस्ट्रोमेटिक एरिया के ऊपर। दूसरा, इसके अंदर की वोमिटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, डिहाइड्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा होती है, फिजिकल कैल्सियम दो अगर उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करें तो। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, अब उसके अंदर हमने स्नैरो के अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पढ़ा था, वो किस वजह से होता है, वोमिटिंग की वजह से, वोमिटिंग लीडिंग टू लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोराइड। उसके अंदर हमने देखा था हाइड्रोजन भी कम था और क्लोराइड भी कम था दैन द नॉर्मल। तो ये टिपिकल एक सिनेरियो हमेशा एमसीक्यू भी आता है और हम आपसे पूछते भी हैं कि कौन सा इसको एसिड बेस इम्बेलेंस होता है, तो ये मेटाबॉलिक होता है, वो भी अल्कलोसिस होता है, क्योंकि आपने देखी थी इसकी पीएच भी बढ़ी हुई थी और हाइपोकोलोरीमिया भी हुआ था, और तो जिसकी वजह से जो है ना ये हाइपोकोलीमिया भी हुआ था, क्लोराइड भी कम था, पोटाशियम भी कम था, हाइड्रोजन भी कम था। दूसरा जो है ना, इसके अंदर वोमिटिंग लीड्स टू ईसीएफ वॉल्यूम डेफिसिट, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा पेशेंट के अंदर हो जाती है, और यूरिन के अंदर एसिडोटिक पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया भी हो जाता है, दिस इज अपोजिट टू द अल्कलोसिस। डायग्नोसिस हमने कैसे की थी, इसकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन की, हिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं, और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के अंदर हमने फाइंडिंग देखी थी और पाइलोरिक मसल थिकनेस भी हम दे सकते हैं, और
पाइलोरिक लेंथ भी देख सकते हैं, और इसके अंदर एक और एक्सरे के अंदर एक बड़ा टिपिकल एक होता है फीचर पाया जाता है जिसको हम स्ट्रिंग या डबल ट्रैक या पीक या पाइलोरिक टीट साइन भी कहते हैं। बीक साइन हम अक्सर इसको पढ़ते रहते हैं जो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये में भी आपको नजर आ रहा होगा बीक साइन, क्योंकि आगे हमने देखा था स्टेनोसिस हो गया था। तो ट्रीटमेंट के अंदर क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, इट इज एन इमरजेंसी बिकॉज वाई, इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी बट नॉट सर्जिकल इमरजेंसी। मेडिकल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड डिहाइड्रेशन, पाइलोरोमाटमी करते हैं सर्जरी के अंदर इसकी। और बीइंग एनेस्थेटिस्ट हमारी क्या कंसंट्रेशन हो सकती है हमारे अंदर, एक तो एज ग्रुप है, दूसरा हमने जब देखा था इनके अंदर डिहाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। और पेशेंट रिलेटेड से ये हमारे कंसंट्रेशन, और सर्जरी रिलेटेड क्या होता है डीलिक टैक्स होता है, और वेन वी स्टार्ट अवर एनेस्थीसिया उसके अंदर क्या होता है, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं हमारे अंदर। एक तो पल्मोनरी एस्पिरेशन के चांसेस होते हैं जिसकी वजह से वो कहा जाता है कि इनको वैसे हर एमरजेंसी के अंदर हम नहीं करते होते, लेकिन इनके अंदर हमें खास ख्याल करना चाहिए बैग मैथ वेंटिलेशन के दरम्यान है, और एन जी ट्यूब का हमें खास ख्याल करना चाहिए, और इनके अंदर मुँह से उम्र के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ड्यूपरेटिव क्या करना चाहिए इसको हमें, ये हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो होपफुली ये सब के आंसर आने चाहिए। हम जो क्वेश्चन आगे डाले हैं ये सारे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो वोमिटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन हुई थी वो करेक्ट करनी चाहिए, कितनी देर के अंदर, नॉट एग्रेसिव 24 to 48 आवर्स। और फ्लूड कौन सा हमने यूज़ करना है, क्योंकि इसके अंदर क्लोराइड कम हो रहा था, पोटाशियम कम हो रहा था, तो हमें क्लोराइड के लिए नॉर्मल सलाइन और साथ उसके अंदर पोटाशियम ऐड कर देंगे। और एस्पिरेशन के लिए जैसे मैंने बताया था एन जी ट्यूब पहले ही डाल देनी चाहिए, और सर्जरी तब होनी चाहिए जब डिहाइड्रेशन करेक्ट होनी चाहिए, जब इलेक्ट्रोलाइट करेक्ट होने चाहिए। इंट्रा ऑपरेटिव क्या होना चाहिए, यही चीज़ जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट हमें करेक्शन कंटिन्यू करनी चाहिए, और जो है इसकी इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमें जो है इनकी करेक्ट होनी चाहिए। क्लोराइड का लेवल बता रहे हैं कि 100 से ज़्यादा होना चाहिए हमें, और अवेक इंक्यूबेशन करनी चाहिए, रैपिड आईवी इंडक्शन विद रिक्वायर्ड प्रेशर। इसमें एक क्वेश्चन भी हमारे पास आएगा कि हमें इनहेलेशन और इंडक्शन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो इधर एक वर्ड लिखा हुआ है केयरफुल इनहेलेशनल इंडक्शन, तो ये हम डिस्कस करेंगे क्यों हमें केयरफुल इनहेलेशनल इंडक्शन करनी चाहिए इनके अंदर, और हमें इनको फेंटनिल 1 microgram per kg के लिहाज से, पैरासिटामोल हम जैसे देते हैं 1.5 milligram per kg के लिहाज से दे सकते हैं, या हम इनको लोकल इंफिल्ट्रेट भी कर सकते हैं। और अगर हमने लेप्टोस्कोपी अगर करनी है तो हम रेक्टल सीड ब्लॉक भी लगा सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव हमारे क्या कंसर्न होते हैं, पेन हमारा कंसर्न होता है। एनजी जो है ना हमें इनहेल्थ रिकवरी प्रोटोकॉल मुताबिक हर पेशेंट के अंदर जल्दी जल्दी रिमूव कर देनी चाहिए, और इन्फ्यूजन फीड विद इन 6 आवर्स करनी चाहिए हमें, और अवेक लेफ्ट लेटरल पोजिशन में ही करना चाहिए हमें इसके लिए। और इनके अंदर एक और चीज़ होती है, क्योंकि ये पेशेंट अल्कलोसिस का होता है तो इनके सीएसएफ अल्कलोसिस की वजह से पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के अंदर भी जा सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोथर्मिया वगैरह भी होता है। तो इंट्रा ऑपरेटिव हमें क्या करना चाहिए, हाइपरवेंटिलेट करना चाहिए पेशेंट को। अब ये जो अभी हमने सारा डिस्कस किया है तो उसके अंदर ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए हैं, तो होपफुली अब ये सबको इनके आंसर आने चाहिए, और उम्मीद है कि आप लोग इनका आंसर भी करेंगे। अगर इसमें से कोई चीज़ नहीं समझ आई तो हम वापस स्लाइड में जा सकते हैं। तो जो हमने सिनेरियो पढ़ा था ये वाला, तो इसको दोबारा रीड कर लें, और इसके मुताबिक हमारा क्या डायग्नोज बना था, आप में से एक कोलीग ने बताया भी था कि इसका डायग्नोज हमारा पाइलोरिक स्टेनोसिस बना था। इसके अंदर क्या क्या हमारे जो है ना डायग्नोस्टिक फीचर्स थे हमारे, इसके अंदर
एज 3 वीक्स की अच्छी हुई है और ऑनसेट होता है 5 डेज टू 5 मंथ के दरमियान में, और मेल टू फीमेल रेशो 4:1 होती है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग जिसको थ्रेटनोसाइट और कंटेंट जो होते हैं, ये डायग्नोस्टिक चीज़ें बता रहा हूँ। और देखिए हमारे सिनेरियो के अंदर भी यही चीज़ लिखी हुई है और हमने स्लाइड के अंदर भी ये पढ़ी थी। अब मैं आपको डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बता रहा हूँ। कंटेंट के अंदर इंजेस्टेड फार्मूला आता है, बाइल नहीं आते, और जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हाइपोकोलीमिया था, हाइपोक्लोरेमिक था और मेटाबॉलिक एसिडोसिस था। तो ये देखें अब इस सिनेरियो के अंदर भी हमारा सारे का सारा ये इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दिया हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ पाइलोरिक स्टीनोसिस, क्या क्या हो सकता है? हाइड्रस हर्निया का हो सकता है, ड्यूरल एट्रेसिया का हो सकता है, ड्यूरल का हो सकता है, एलियल एट्रेसिस हो सकता है, आगे वाले सारे जो भी हमारे हैं पाइलोरस से आगे वाले उन सबका एट्रेसिया भी हो सकता है, मेल न्यूट्रिशन ऑफ द गट भी हो सकती है, मेल रोटेशन, मैकस डाइवर्टिकुलम भी हो सकता है। तो ये हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन जाएगा। व्हाट आर द मेटाबॉलिक प्रॉब्लम इन दिस न्यू बॉर्न कैन लीड टू दिस डिजीज, किस डिजीज, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये हमें टिपिकल इसका ये है, कोई बताएगा कि क्या इसकी मेटाबॉलिक नॉर्मलिटीज आई थी हमारी? मेटाबॉलिक एसिडोसिस थी, हां, लेकिन और भी था, हाइपोकोलेमिक, हाइपोकोलेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस और पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया। जी बिल्कुल ऐसे, थैंक यू। एंड इसमें लिखा हुआ था कि हाउ वुड यू ट्रीट दिस इंफेंट, तो हमने अभी ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा था, इस ट्रीटमेंट के बारे में हमें कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। बेसिकली कोई बताएगा कि क्या क्या चीजें जो है ना इस चीजों के अंदर हमारी जो होनी चाहिए? 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई बता देगा ट्रीटमेंट के अंदर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पहले तो मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। जी वेरी गुड। हां जी, उसमें क्या उसमें हम फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन और डिहाइड्रेशन करेक्ट करेंगे उसको। हां, डिहाइड्रेशन फ्लूइड को दे रहे हैं उसको, डिहाइड्रेशन की वजह से डिहाइड्रेटेड है ना, फ्लूइड के अंदर भी हमने हां के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, कौन सा जो क्लोराइड कम हो रहा था और पोटेशियम कम हो रहा था, जो सोडियम क्लोराइड और नॉर्मल 7.95% और वैसे अगर इसकी हमें करानी पड़ जाए, क्या कहते हैं उसको, लैब्स करानी पड़े तो हम कौन कौन सी लैब कराएंगे इसकी? एक कार्डियोग्राफी भी करा देंगे, हैं सीएसएफ लेवल भी करा लेंगे, सारी जो है ना उसकी जो है पल्मोनरी फिटनेस भी ले लेंगे, ऐसे ये सारी हमें करानी चाहिए। एको करानी जरूरी है, जीएफआर वगैरह, किडनी का जीएफआर वगैरह मेजर करना चाहिए हमें, है कोई बताएगा? ये मैंने जो लैब्स बताई है सारे ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन बताई है आपने, सही पूछा कि क्या कराना जरूरी है, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था कुछ जाग ही रहा है कि नहीं जाग रहा, तो कोई बताएगा हमें कौन कौन सी लैब्स करानी चाहिए इसके अंदर, इंपॉर्टेंट लैब्स हमारे लिए? देखो भाई, इलेक्ट्रोलाइट का इशू हुआ तो इलेक्ट्रोलाइट कराना चाहिए हमें, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स कराएंगे, बेसलाइंस, तो एबीजी का इशू हुआ तो एबीजी करानी चाहिए, एबीजी कराएंगे, ठीक है ना? हां, चेस्ट एक्सरे कोई बताएगा क्यों? एस्पिरेशन निमोनिया वगैरह की, वेरी गुड, ठीक है ना? अब वो तो मेरी पहले भी उसने एस्पिरेट किया हो लेकिन वो हमारा एनेस्थेटिक कंसर्न था, ठीक है ना? इसी तरह ही हमें ईसीजी करानी चाहिए, ईसीजी क्यों करानी चाहिए? बिकॉज को एम आई हुआ होगा पेशेंट को, राइट? ईसीजी क्यों करानी चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कोई हाइपोकैलेमिया है तो यू वेव्स, वेरी गुड, तो हाइपोकैलेमिया, ठीक है ना, हाइपोकैलेमिया हमारा कंसर्न है, तो ईसीजी का भी मतलब यह है कि अगर करानी हो तो हमें ये इन्वेस्टिगेशन, कौन कौन सी, सीबीसी वगैरह वो ये इसका देखने के लिए, फीवर वगैरह देखने के लिए। सीबीसी क्यों करा रहा है यहाँ पे? उसका लिम्फोसाइट चेक करने के लिए, टीएलसी चेक, टीएलसी के साथ एचबीपी भी कम होती है पेशेंट की, है
एच बी चेक कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स कराएंगे, ए पी जी कराएंगे उसका, है किडनी का भी कराएंगे क्योंकि डिहाइड्रेशन वगैरह होगी, जी पी जी करा लेंगे। वैसे अगर हम ये तो रूटीन की थी, अगर डायग्नोसिस कराना हो तो अल्ट्रासाउंड और बेरियम 12 करा लेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ वुड यू डिटरमाइन दिस फ्लूइड इन अ न्यू बॉर्न एंड व्हाट शुड वी यूज। ये तो हमने देख लिया है, ये हमने बीड के शुरू वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि मेंटेनेंस फ्लूइड कैसे देंगे हम इन लोगों को। ये होता है फर्स्ट 48 आवर्स ऑफ लाइफ, ये आप लिख लें अगर देखना या वो से सुन लें तो। जनरल प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड थेरेपी तीन होते हैं, वो हम पढ़ते आए हैं। फ्लूइड मेंटेनेंस होता है, करेक्शन ऑफ डेफिसिट होता है, या रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस हमें तीन करना होता है। मेंटेनेंस न्यू बॉर्न के अंदर वो कहता है कि फर्स्ट 48 आवर्स ऑफ लाइफ के लिए 75 ml पर के जी पर डे के लिहाज से, ये है 75 ml पर के जी पर डे के लिहाज से, या 3 ml पर के जी पर आवर के लिहाज से है फॉर द फर्स्ट टू डेज। फिर वगैरह नेक्स्ट टू डेज टू वन मंथ के लिए 150 ml पर के जी पर डे और 6 ml पर के जी पर आवर के लिहाज से हमें मेंटेनेंस फ्लूइड देना चाहिए। वन मंथ ऑनवर्ड के लिए हमें 100 ml पर के जी पर डे और 4 ml पर के जी पर डे के लिहाज से हमें देना चाहिए। ये तो था मेंटेनेंस। और उसके साथ जो है ना हमें वो चीज़ें जो है ना हमें इलेक्ट्रोलाइट वगैरह के साथ ऐड करनी पड़ती हैं। लॉसेज वगैरह के लिए हम पढ़ते रहते हैं, माइनर सर्जरी के लिए कितना देते हैं 1-3 ml पर के जी पर आवर के लिए आते हैं, मॉडरेट के लिए। अब ये जो है ये कोई बताएगा कि ये सर्जरी जो है ना मेजर सर्जरी है या माइनर सर्जरी है? इट इज़ अ मॉडरेट सर्जरी, पाइलोरोमायोमेक्टोमी इज़ अ मॉडरेट सर्जरी, तो इसके लिए 3-5 ml पर के जी के लिहाज से हम इसको लाजिम में दे सकते हैं हम लोग। और जो डेफिसिट होता है वो तो हमें पता ही है कि वो हम एनपीओ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये चीज थोड़ा सा। वो कह रहा है कि हाउ वुड यू करेक्ट द मेटाबॉलिक अल्ट्रोसिस इन दिस पेशेंट, मेटाबॉलिक अल्ट्रोसिस कैसे हम ट्रीट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे मेटाबॉलिक अल्ट्रोसिस कैसे ट्रीट करेंगे हम लोग, कोई काफी सारे लोग हैं उनको और भी आंसर कर दे, फायदा ही हो जाएगा। वो कहता है कि ये हम इसको 5% डेक्सट्रोज इन नॉर्मल सलाइन या रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन के थ्रू इसको प्रोडक्ट कर सकते हैं। और ये मैंने पहले ही बताया था आपको, ये जो है ना एटलीस्ट 2-3 days के अंदर जिक्र होना चाहिए। और अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर अल्कलोसिस है तो हम क्या कर सकते हैं, ऐड तो कम ही हम करते होते हैं, HCl या अमोनियम क्लोराइड भी हम ऐड कर सकते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं। ये तो हो गया। हाउ वुड यू एवैल्यूएट दिस पेशेंट प्री ऑपरेटिवली, अब प्री ऑपरेटिव जब हम आ जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमने इसकी की थी, पहले हिस्ट्री भी कर लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या करेंगे, हिस्ट्री के अंदर तो सारी चीज़ें जो हमने देखी हैं, कितनी दफ़ा इसमें वोमिटिंग आई थी और डायरिया इसका आउटपुट वगैरह कितना है, बॉडी वेट कितना था इसका, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर इसका हम बॉडी वेट कराएंगे, टेम्परेचर वगैरह। और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर, क्या चीज़ है, डिहाइड्रेशन के साइंस देखते हैं। डिहाइड्रेशन, वेरी गुड। हाँ, और इवन कि अगर सवेयर हो जाएगा तो पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है हमारा। लेबॉरेटरी फाइंडिंग हमने डिस्कस कर ली थी, वो कौन कौन से भेजना है हमने वो ऑलरेडी डिस्कस किया, तो वी नॉट वेस्ट आवर टाइम। और वो कह रहा है हाउ वुड यू, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ वुड यू प्रिपेयर दिस पेशेंट रैपिडली फॉर एमरजेंसी सर्जरी, इज सर्जिकल इंटरवेंशन एन एक्यूट एमरजेंसी इन दिस केस। ये चीज़ क्वेश्चन हमारे पास आया था वहाँ पे। पहले तो वो कह रहा है कि चलो हम नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है तो वो देखते हैं कि क्या ये एमरजेंसी है भी सही कि नहीं है। अगर है तो एमरजेंसी, तो फिर हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं एमरजेंसी के लिए, कैसे प्रिपेयर करेंगे पेशेंट को या ओटी को या खुद को। मेडिकल इमरजेंसी है, सर्जिकल तो नहीं है, पहले करेक्ट फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट करेक्ट करके फिर कराएंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रही है कि ये मेडिकल है, सर्जिकल इमरजेंसी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, तो कह रहा है कि इसका
क्वेश्चन नाइन है, व्हाट इंडक्शन इंट्यूबेशन सीक्वेंस वुड यू यूज, इंडक्शन इंट्यूबेशन। ये बात आपको याद होगी तो मैंने आपसे कहा था कि इंडक्शन के अंदर एक लव बात आई हुई थी इनहेलेशनल के बारे में, तो मैंने पूछा था कि कैन वो यूज इनहेलेशनल इंडक्शन इंडक्शन फॉर दिस पेशेंट, या इंट्यूबेशन के लिए कौन सा हमें सीक्वेंस रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन करनी चाहिए या इसको हम इनहेलेशनल नहीं कर सकते, राइट? क्यों, क्या वजह? ये बीइंग एनेस्थेटिक वो चीज़ें तो खैर नॉलेज के लिए थी, ये अगर कोई थोड़ा डिटेल में बता दे, हम ऑलरेडी ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं सिनेरियो के अंदर भी और प्रेजेंटेशन के अंदर भी, तो कोई हेजिटेट किए बगैर अगर ये बता दे कि इंडक्शन इंट्यूबेशन सीक्वेंस क्या होगा हमारा। हम रूटीन में करते हैं अभी, इसमें नई चीज़ तो करेंगे नहीं, कोई नेजल इंट्यूबेशन की बात तो करेंगे नहीं, जो रूटीन चीज़ें होते हैं एमरजेंसी वाली ये भी तो एक मेडिकल एमरजेंसी है, लेकिन वो अगर कह रहे सर्जिकल एमरजेंसी तो किस तरह इंडक्शन इंट्यूबेशन करेंगे। अब रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन के अंदर इंग्लिश में वैसे कम ही हम यूज करते होते हैं, राइट? तो कोई बताएगा क्या सीक्वेंस होगा हमारा? पहले तो एनजी या ओजी पास करेंगे, उसके बाद आईवी करेंगे, रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन करेंगे, आईवी इंडक्शन एजेंट कोई भी दे के, उसके बाद मसल रिलैक्सेंट प्री कट प्रेशर अप्लाई करके ताकि एस्पिरेशन ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है, तो इसमें हमें थोड़ा सा हमारे बस रिफ्लेक्सेस बने हुए हैं, हम वही बात करते हैं कि बस इसको आरएफ रैपिड सीक्वेंस इंजेक्शन करनी चाहिए, सबसे पहले तो उसको लाइन लगी होनी चाहिए, फिर उसको मॉनिटर अटैच करेंगे, फिर आप वाली बात यह कि एनजी ट्यूब देंगे उसको है, और इनकी सेक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है जो इनको हम जो है ना एट्रोपिन वगैरह या वो भी दे सकते हैं, और दूसरा इसके अंदर जो है ना अवेक इंट्यूबेशन करनी चाहिए हमें, रैपिड सीक्वेंस इंजेक्शन के साथ हमें अवेक इंट्यूबेशन करनी चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, वो इनहेलेशनल वाला थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि इनहेलेशनल क्यों नहीं करेंगे या करेंगे तो क्यों करेंगे। हाँ, ये हम डिस्कशन में जब हमारी होगी डिस्कस करेंगे हम लोग, ओके, क्योंकि हमने कर ली जब इसको रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन है, तो इसमें मतलब आई डोंट नो क्यों नहीं समझ इस बात की आपको, ये इस बार में मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, हाउ वुड यू डिटरमाइन द साइज ऑफ एन इंटरप्रिटेटिव पीडियाट्रिक पेशेंट। ये तो खैर मैंने उस वक्त आई थिंक मेरा ही लेक्चर था पहले वाला, फार्मूले दिए हुए हैं, ठीक है ना, वो दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एनेस्थीसिया सिस्टम वुड यू यूज एंड व्हाई। ये भाई बेसिक क्वेश्चन है, इस पे कोई दिमाग लड़ाने वाली बात नहीं है, हम सर्कल सिस्टम ही यूज करेंगे इसके लिए, पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी पीरियड के अंदर इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है हमारे, ये बता दे तो। पोस्ट ऑप नाज़िया मोमेंट रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, जी ये तो होती होती है, तो इसलिए ये तो बोल ही दिया करें ना, हैं जब भी मेडिकल में यही बोलते थे और वजन बहुत कम होना ही होता नहीं, ये बीइंग एनेस्थेटिक ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है ही ना, तो इसलिए जो होता है बोल देना चाहिए। हाँ जी, वेरी गुड। पेन भी, मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको याद है मैंने जो सिनेरियो डाला था ना, ये बड़ा टिपिकल था, और जो फिर प्रेजेंटेशन बनाई थी वो सारी उसके अंदर सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं, मैंने एक सीएसएफ एल्कोप्रोसेस की टर्म इस्तेमाल की थी, और उसका मैंने एक लिंक बताया था आपको, जिसके पेशेंट क्या हो जाता है पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के अंदर चला जाता है बिकॉज ऑफ दिस एल्कोप्रोसेस, ठीक है ना, तो वो पेशेंट एपनिया में और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में ये जा सकता है बिकॉज ऑफ, ये पता होना चाहिए बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कोप्रोसेस, ठीक है ना। हाँ, और जब वो डिप्रेशन में जाएगा तो फिर हाइपोग्लाइसीमिया तो हो जाएगी, और हाइपोग्लाइसीमिया क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया क्यों हो रहा होगा, ये उधर लिखा हुआ था हमने, वो तो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में ऑलरेडी होता है क्योंकि ग्लाइकोजन स्टोर्स कम होते हैं। वेरी गुड जी, ऐसा ही, वेरी गुड। तो इसके अंदर एक और बड़ी इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, जो मतलब ये है कि दो हमें पता होनी चाहिए, पोस्ट एक्टिवेशन प्रूफ, एक है एपनिया और डिप्रेशन प्रूफ भी जो है इसके अंदर होता है, तो होपफुली इससे जो है ना सिनेरियो से आपने पाइलोरिक स्टेनोसिस को हमारा सिनेरियो आ जाए तो वो नहीं होना चाहिए।
ये भी इसी का ही है, चलो हम एक साथ कर लेते हैं। ग्रुप की क्या ट्रीटमेंट होती है कोई बताएगा? बीइंग एनेस्थेटिक तो जब भी होता है हम क्या करते हैं उसको, है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हम बढ़ा देंगे 50-60% कर देंगे और उसको ह्यूमिडिफिकेशन पार्ट गैसेस देंगे, हाँ जी, और उसको जो है ना लाइट सेडेशन दे सकते हैं। सेडेशन क्यों दे देंगे? और दूसरा हम उसको जो है ना एपिनेफ्रीन का जो है ना नेबुलाइजेशन कर सकते हैं, स्टीराइड दे सकते हैं, और अगर नहीं कुछ हो रहा तो रीइंटुबेट कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा तो ट्रिकियास्मी, ये ना कह देना कि इमरान ने बताया था कि ट्रिकियास्मी अगर नहीं कुछ होता तो तब सब ब्लड का डीमा की वजह से ट्रिकियास्मी भी एक एक्शन हो सकती है। जी सर, ये तो हमारा एक हो गया, क्या टाइम हो गया सर? तो उम्मीद है कि ये आपको HPS तो अच्छा समझ आ गया होगा, है? बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर मैम, ये हाइपरवेंटिलेशन का आप क्यों कह रहे थे? हाँ ये भी देखे, मैं चीजें तो सही है काफी सारी। ऑलरेडी क्लोसिस में है पेशेंट। हाँ ये देखें, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये हम डिस्कशन में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको आप जरा ब्रेन के साथ भी कीजिएगा, है? ओके। नहीं अपने ब्रेन के साथ नहीं कह रहा मैं, इस पेशेंट के ब्रेन के साथ बात कर रहा था। अच्छा इनहेल्ड फॉरेन बॉडी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो प्री ऑपरेटिव हमारे क्या कंसर्न हो सकते हैं? इसके अंदर मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्रोंकोस्कोपी इन 6 months to 5 years है। मैं वैसे एक मेरा दिल कर रहा था वीडियो शेयर करने का, और एक बात बताऊं ऑनेस्टली, ये 20 मिनट्स पहले मुझे पता चला है कि जो कैंडिडेट है वो लेक्चर नहीं दे रहा, तो ये मुझे लेक्चर जो है ना देना पड़ रहा है। तो मेरे माइंड में आया कि मुझे वो इनहेल्ड फॉरेन बॉडी वेल वीडियो बहुत जरूर दिखानी चाहिए। कल ट्विटर के ऊपर चल रही थी, वो लम्हा देखने वाला था, मेरी आंखों में तो आंसू आ गए थे। पेरेंट्स का भी देखने वाला था और डॉक्टर का भी देखने वाला था, और वो एक जो कहते हैं ना माँ बाप का प्यार जो होता है उसमें रियल नजर आ रहा था। वीडियो कोई बंदा नहीं बना रहा था, वीडियो जो CCTV कैमरा वो बना रहा था, वो वीडियो दिखाई गई है। वो वीडियो मैं इंशाल्लाह ग्रुप, हाँ वो देखें कि डॉक्टर क्या, और कुछ भी नहीं किया डॉक्टर ने, वही उसको जो है ना टैपिंग की पीछे से, और वो पेशेंट जो है ना उसकी जो ना क्वाइन निकल आया था बाहर, और उसका अटल क्या उसके बाप उस डॉक्टर के पाँव में पड़ गया, यानी कि ये उसके था। तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्रोंकोस्कोपी इन 6 months to 5 years होती है, और होते कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे? पीनट्स होते हैं, क्वाइंस होते हैं, वही छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चे मुंह में ले घूम रहे होते हैं और वो पता नहीं चलता चली जाती हैं। स्मॉल बैटरीज होती हैं, स्क्रूज, नेल्स, स्मॉल पीसेस ऑफ क्वाइंस। तो ये दो, या तो स्टमक में जा सकते हैं या तो लंग में जा सकते हैं। इन अपर एयर वे इट प्रेजेंट एट एमरजेंसी एक्यूट एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन, इन लोअर एयर वे डेफिनेटली ये कफ कराएगा या निमोनिया कराएगा, और हो क्या सकते हैं? वीज हो सकता है सिम्टम के अंदर, कफ और डिहाइड्रेशन हो सकती है। पैरी ऑपरेटिव क्या हमारे कंसर्न होते हैं? इसको जो है ना, इसको हम अलबत्त सीओफ्लोरिन 100% के साथ इनहेलेशन इंडक्शन कर सकते हैं, टीबिया कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या करना होता है, क्या करना होता है, हमने ट्रिकियास्टमी करनी होती है, राइट? तो बताता है इसके लिए क्या करते हैं हम लोग इनहेल्ड फॉरेन बॉडी के लिए? वही तो मैंने बताया कि मोस्ट कॉमन काज है इसकी, या टीवी भी दे सकते हैं, या टॉपिकल एनेस्थीसिया भी लगा सकते हैं। टॉपिकल के अंदर अगर आपने ENT के अंदर देखा तो 4% लिक्लोपिन पड़ी होती है, वैसे 3 mg/kg के लिहाज से दे सकते हैं। अब 4% को कैलकुलेट करके देख लें कितनी हमें देनी पड़ेगी हमें, या क्योंकि वो एडिमा वगैरह हो रहा था, सफिशेंट काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, तो हम इसको एट्रोपिन 10 mg/kg के लिहाज से, या ग्लाइकोपाइरोलेट हो जाना, तो वो कह रहा है कि प्रायर टू ब्रोंकोस्कोपी मेंटेन द एयरवे विद फेस मास्क या LMA। इसके अंदर एक और चीज़ भी अगर आपने देखी, कि जब भी वो सर्जन ENT वाले करते हैं तो ब्रोंकोस्कोपी
ब्रोंकोस्कोपी के साथ भी जो है ना वो हम अटैच कर देते हैं अपना, इसके अंदर रिजिड ब्रोंकोस्कोपी अटैच करते होते हैं और इसके साथ जो है अटैच करके हम मेंटेन कर सकते हैं अपना ऑक्सीजनेशन। फॉर ऑब्जेक्ट इन अपर एयरवे मेंटेन एसवी, ये एसवी क्या चीज होती है अपर एयरवे के लिए, एंड लोअर एयरवे के लिए वो कह रहा है कि इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन विद बफर सेक्शन इज एक्सेप्टेबल। पोस्ट ऑपरेटिव हमारा कंसर्न क्या हो सकता है, ब्रोंकोस्कोपी भी ट्रामा हो सकता है जिसके लिए हम क्या दे सकते हैं डेक्सामेथासोन दे सकते हैं 0.25 मिलीग्राम पर केजी आईवी ब्रोंकोडायलेटर और एंटीबायोटिक दे सकते हैं। अब ये हमारा लास्ट है ब्रोंकोस्कोपी वाला, तो ऊपर लिख दीजिए ये सिनेरियो कोई पड़ेगा। अब इसमें भी आपने देखना है, फिर मैं आपसे ड्यूरिंग डिस्कशन पूछूंगा इसके अंदर क्या क्या इन्होंने हमारे जो अंग्रेज होते हैं वो बड़े अच्छे सिनेरियो बनाते हैं, हमारा तो बस ये होता है कि एक हफ्ते पहले टॉन्सिलेक्टोमी भी थी अब इमरजेंसी के अंदर ब्लीडिंग होता है तो क्या होगा टॉन्सिलेक्टोमी में हैं पोस्ट टॉन्सिलेक्टिव ब्लीडिंग हो रही होगी। अब इसको देखें, दिस पेशेंट इज अ 10 ईयर ओल्ड मेल विद अ हिस्ट्री ऑफ डायग्नोस्ड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अब हम तो पढ़ते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया तो बड़ों के अंदर होता है, ये कह रहा है दिस पेशेंट इज अ 10 ईयर ओल्ड मेल विद अ हिस्ट्री ऑफ डायग्नोस्ड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इसको क्यों स्लीप एपनिया हो गया भाई, एडिनोइड्स वगैरह होते हैं बच्चों। वेरी गुड, प्रेजेंट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद ब्लीडिंग इन द पोस्टीरियर ओरोफेरिंग। अब ये देखिए इसमें मुझे एक चीज बताएं, एक 10 ईयर को याद रखें, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को याद रखें और पोस्टीरियर ओरोफेरिंग को याद रखें। अब फिर मुझे बताइए कि प्री ऑपरेटिव इंटर ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव हमारे क्या कंसर्न होंगे, क्या एज का रिलेशन भी है ब्लीडिंग से, ठीक है ये क्वेश्चन पूछेंगे आप। 7 days post tonsillectomy on physical examination the patient is subject with failure, ab failure kya hoga fir jab hum uski hb karayenge fir kahenge hb kyun kara rahe hain, and decreased capillary filling hai, is vital signs are significant tachycardia, ab ye uske cardiac signs aa rahe hain, tachycardia 140 beats per minute, hypotension with blood pressure of 70-40 mmHg, antitachycardia with respiratory rate of 25 breaths per minute, his oxygen saturation is 97%, the patient is accompanied by his mother who states that the bleeding started 2 hours ago after the child ate a sandwich, matlab iska eating se correlation unhone banane ki koshish ki hai। Ab what are the risk factors for post tonsillectomy, to batayega ki kya risk factor ho sakte hain, mujhe to samajh to aa rahi hogi kuch na kuch, वो वैसे एक कहीं में पढ़ रहा था किसी सीनियर ने कहा कभी कि अगर दिन में एक बात भी सीख जाओ ना तो महीने के अंदर 30 बातें सीख जाओ, साल के अंदर कितनी सीख जाओगे, हमारी बुक के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं, तो अगर एक लेक्चर में 3-4 चीज़ें पता सीख ले तो वो भी बहुत होती है। तो कोई बताएगा बैठ रहा था वो वैसे ही चुप कर बैठ रहा था हर जगह। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ पोस्ट ट्रॉम्बेक्टोमी हेमरेज, ये देखिए ये आया खड़ा है डज एज मैटर, ये मैंने आपसे कहा था कि आप इस चीज़ को याद रखें, तो कोई बताएगा कौन कौन से रिस्क फैक्टर है इसके, प्राइमरी हमने जो होता है 24 आवर्स में उसमें तो ये हो सकता है कि कोई सर्जिकल इशू हो सकता है, मतलब कोई वेसल लाइगेट नहीं की या ऐसा कुछ। जी ऐसा ही है, और ये पेशेंट हमारे पास 1 वीक बाद आया तकरीबन, और ये तो सेकेंडरी हेमरेज है। हाँ जी, इसकी क्या कॉज है, इन्होंने खाने का भी जिक्र किया हुआ था अंदर, उससे शायद में कोई इरोजन हुई है या खाने से, कोई और इसमें ऐड करना चाहे तो बता दे, और एज का इसमें क्या रिलेशन है, मैंने आपको बताया आप अकेले अटेंड कर रही है, क्योंकि वो बंदा है नहीं, एक भाई भी बोलते हैं ऐसा ऐसा, भाई आप ही बोल दो ऐसा ऐसा यार। अच्छा जी नाम बताएं, क्या नाम है आपका, अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद हाँ, माशाल्लाह तो आप तो उधर क्लास के अंदर भी जो है ना आप ही माशाल्लाह से रिस्पॉन्स करते हैं,
मोस्टली ये ओल्डर पेशेंट्स में होती है, पोस्ट ऑफ ब्लीडिंग जो है। तो और बंदा है नहीं यहाँ पे लिखता है। सारे खामोशी से सुन रहे हैं। अच्छा सर हम पहुंच बैठे, चले सर दिन लगता है मुझे खुद ही करना पड़ेगा। हाँ बताते चले हैं। अच्छा सर वो तो सर मैं डेली आपसे डिस्कस करता हूँ और आप मुझे डेली बताते हैं क्या 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 इनकी जो है ना आज तो वो लगता है रोजे के बाद जो है ना पोस्ट ऐसे ना सर, पर जिसने ही लेक्चर रहता है, देना था वो बेचारी खुद ही है ना। हाँ जी वो जिसने लेक्चर देना था खुद बीमार हो गया। वो ज्यादा खा लिया होगा ना इफ्तारी पे। नहीं उसने सैरी में कुछ नहीं कहा था सर, उसको पता ऐसे कह रही थी, वो कह रही थी कि वो बेचारी का पेट भी लंबा हो गया था इस वजह से। अच्छा सर तो रिस्क फैक्टर्स के अंदर वो बता रहा कि एज, मैंने आपको पहले बताया था एज के बारे में, और ये मेल पेशेंट ही था, और दूसरा उसके अंदर जो है ना वो हमने पढ़ा था स्लीप एपने के बारे में पढ़ा था, हिस्ट्री ऑफ फ्रीक्वेंट ट्रांसलेटर्स वगैरह एक्सेस वगैरह होती रहती है, या इनके अंदर कोएगुलोपैथीज भी होती है, ये चीज़ हमें इसलिए अगर आपने देखा हो कि इनके लिए कौन से टेस्ट कराते थे हम लोग पहले, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, क्लॉटिंग कराते होते हैं। वेरी गुड जहांगीर भी अब आ गया लगता है। तो इसके अंदर अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी पर्टिकुलरली आफ्टर एज 12, तो 1.5 टाइम्स ज़्यादा चांस हो जाता है आफ्टर एज ऑफ 12 और प्राइमरी के, और सेकेंडरी के 3.3 टाइम्स ज़्यादा चांसेस होते हैं आफ्टर 12 इयर्स ऑफ एज। तो ये रिस्क फैक्टर हमने पढ़ लिए एज का, मेल सेक्स का, रिकरेंस का और एब्सेंस वगैरह का, और एज का हमने पढ़ लिया। वो कह रहा है कि व्हाट इज योर अप्रोच टू असेसिंग दिस पेशेंट। तो हम इस पेशेंट को वो सारी चीज़ें मैंने उसको बताई थी आपको कि पेशेंट अलर्ट है या नहीं है, ब्लीडिंग एक्टिव है या नहीं है, तो पेशेंट जो है ना रिसेसिटेट पहले हुआ या नहीं हुआ, रिसेसिटेशन कैसे पता चलेगा, उसको मैंने आपको बताया था एचबी के बारे में बताया था वॉल्यूम रिसेसिटेशन एचबी, या उसका जो है ना ब्लड एस्पिरेट तो उसने नहीं किया हुआ जिस वजह से उसका एयरवे जो है ना हमारे लिए कंप्रोमाइज हो जाएगा। और इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए कि हम एयरवे को सही तरह व्यूलाइज ही नहीं कर सकते। और दूसरा क्योंकि ये क्वेश्चन बता रहा है कि हाउ वुड यू असेस द पेशेंट, इसके अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो हाइपोटेंशन हो जाएगी, टैकीकार्डिया भी था, टिकिपनिया भी था इसके अंदर है। लेबॉरेटरी के अंदर मैंने आपको उस वक्त बताया था आपको अनीमिया के बारे में बताएंगे, और इसका जो है ना ब्लीडिंग प्रोफाइल जो अभी हमने डिस्कस किया वो ऑलरेडी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो असेसमेंट का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हमें उसकी ब्लीडिंग के लिहाज से असेस करना है और कोएगुलेशन प्रोफाइल के लिए। What will you set up in the operating room for this patient? How will you prepare? How will your preparation be different from a routine general anesthesia setup? ये एक important चीज़ थी जो उस वक्त मैंने अभी आपको बताई भी है। इसके अंदर एक और हिंट देता हूँ, airway visualization जो है ना हमारे लिए important होता है। तो क्या करेंगे भाई रूटीन में जो चीज़ें करते हैं वही, एक तो हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग हो रही होती है हमें नहीं मालूम कितनी हुई है, और फ्लूड वार्मर होना चाहिए, सक्शन कैथेटर रेडी होना चाहिए हमारे पास, और मल्टीपल कफ ट्यूब्स हमारे पास होनी चाहिए, स्लिट वगैरह होनी चाहिए, और लेरिंगोस्कोप भी हमारे पास डिफरेंट होनी चाहिए, और दूसरा इसके अंदर जो है ना रिसेसिटेशन मेडिकेशन भी अवेलेबल होनी चाहिए और ट्रेकियास्मिक ट्यूब भी अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये जो है ना हमें इसको जो है ना, अब इसके अंदर जो इसने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि हमारे डिफरेंस इसके अंदर क्या होगा, तो क्या डिफरेंस था इसके अंदर बताएगा एक खास चीज जो थी। पर इसके अंदर एक तो सक्शन हमारे वैसे हर एनेस्थेटिक को हर केस से पहले होनी चाहिए लेकिन इसके अंदर मस्ट होनी चाहिए, दूसरा डिफरेंट ट्यूब होनी चाहिए हमारे पास, दूसरा लेरिंगोस्कोप भी, और इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज जो है ना वो ये है कि वीडियो लेरिंगोस्कोप वगैरह या फाइबर ऑप्टिक हो तो वो बेस्ट है इसके अंदर, तो ये हमारा इसका डिफरेंट होगा। पेशेंट सीम क्वेश्चन 4 है, पेशेंट सीम एंग्जियस, हाउ विल यू एडमिनिस्टर अ सेडेटिव टू काम द पेशेंट डाउन।
कह रहा है पेशेंट अक्षत है तो क्या हम उसको डॉर्मिकम वगैरह दे रहे हैं, बताएगा? अच्छा इसमें क्या वो कहना चाह रहा है बेसिकली, क्यों वो ये कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कंसर्न है इस क्वेश्चन के अंदर? भाई उसको अगर और सेडेट कर देंगे तो हमारा क्या चांसेस बढ़ जाएंगे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन बढ़ के एस्पिरेशन के बढ़ जाएंगे। वेरी गुड, आप जागरूक लगता है, अच्छा खासा पाया आपने। वेरी गुड, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन ऑफ द सर्जन? हाँ इसमें इस क्वेश्चन को समझे वो क्या कह रहा है, स्पेसिफिकली एज इट रिलेट्स टू इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, इसमें वो क्या कहना चाह रहा है? सिंपल सी बात ये कर रहा है कि ये नहीं है कि जी सर्जन कहेगा चाय पी रहा हूँ और आप पेशेंट को इंटुबेट कर दें। इसमें वो कहना चाह रहा है कि जैसे आप पेशेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो पेशेंट सर्जन भी वॉशअप होके रेडी खड़ा हो इस चीज के लिए, ठीक है ना? इसके अंदर वो ये कहना चाह रहा था। और उसके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक रिजिड ब्रोंकोस्कोपी, साथ में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज योर प्लान फॉर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया ड्यूरिंग द इनिशियल प्रोसीजर? हाँ अब ये चीज देखें, ड्यूरिंग द इनिशियल प्रोसीजर दिस पेशेंट अंडरवेंट एन अनइवेंटफुल इनहेलेशनल इंडक्शन विद पोस्ट इंडक्शन इंट्रावेनस प्लेसमेंट, वुड यू परफॉर्म एन इनहेलेशनल इंडक्शन अगेन, व्हाई और व्हाई नॉट? यार पहली दफा तो हमने इसको इनहेलेशनल इंडक्शन कर दी थी, क्या अब भी इसको दोबारा इनहेलेशनल इंडक्शन कर सकते हैं आप लोग? तो बताएगा इसमें क्या कहना चाह रहा है, उसमें भी क्वेश्चन ये वाला था, इसमें भी है, दोनों में कंसर्न तो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन इसमें कुछ एक और कंसर्न भी था। इसमें इनहेलेशन क्यों नहीं करेंगे? इसमें एयरवे ब्लीड है तो इसमें हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आईवी इंडक्शन देंगे पेशेंट को और रैपिड सीक्वेंस की तरफ जाएंगे। रैपिड सीक्वेंस उसमें भी यही कंसर्न था, इसमें भी यही कंसर्न था, ठीक है ना? इनहेलेशनल एक तो इनहेलेशनल विल टेक टाइम, दूसरा ये है कि बैगिंग हम कर नहीं सकते पेशेंट में, कर नहीं सकते बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर एयरवे के अंदर सारा वो जो है ना, इसमें एक हमारा सिनेरियो के अंदर एक टर्म इस्तेमाल हुई थी, कोई बताया क्या? पोस्टीरियर ओरोफेरिंग्स के अंदर ब्लड पड़ा हुआ था उसका, ठीक है ना? और इसको जो है ना सारा दे देना, उसको प्रेशर 60-70 से प्रोपोज इंडक्शन कर देना है, तो बताएगा प्रोपोज करेंगे हम इसको। आइडियली कार्डियो स्टेबल एजेंट एटॉमिक डेट्स हम चूज करेंगे या कैटामिन, कैटामिन वेरी गुड, या कैटामिन, ये दो चीजें हैं, ठीक है ना? बीइंग एनेस्थेटिस्ट ये चीज जरूर बोल दिया करें जो जहांगीर ने अभी बोली है, कार्डियो स्टेबिलिटी के लिए। खैर ये तो बहुत ही यंग था पेशेंट, तो एटोमिडेट या कैटामिन हम मतलब इसके अंदर करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज योर प्लान, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन चार व्हाट इज योर प्लान फॉर एयरवे मैनेजमेंट, इसके अंदर वो कह रहा है कि क्या पूछा जाता है एयरवे मैनेज के अंदर, जो बात हमने ऊपर की थी कि इसके अंदर हमारा प्लान थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मतलब रैपिड सीक्वेंस तो करना ही करना है, हमारे पास ट्यूब भी हर सुबह हम कहते हैं कि डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन उसको कि ब्लेड डिफरेंट होने चाहिए और डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन इसके अंदर हमारे पास फाइबर ऑप्टिक या वीडियो रैपिड स्कोप होने चाहिए, बाकी चीज़ हमने पड़ी थी। दूसरा ईएनटी सर्जन को भी, वो खुद ईएनटी के खड़ा होगा साफ जा रहा है तो उसको भी रेडी रहना चाहिए कि उसको मे भी ट्यूब डालने के बाद ना फौरन ट्यूब डालने के बाद एंडोट्रेकियल सक्शन करनी है, उसके बाद उसको वेंटिलेट करना है पेशेंट को। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उसने ऑलरेडी ब्लड एस्पिरेट काफी ज्यादा किया होता है। कहता है कि लैरिंगोस्कोपी एंड इंट्यूबेशन प्रूव challenging due to blood in the airway, what options do you have now? ये question ना एक बड़ा simple था, अगर कोई इसका answer कर देगा he is very genius। अगर वो कह रहा है कि हम खड़े तो अब जैसे emergency के अंदर खड़े होते हैं, हमारे तो laryngoscope नहीं चलने पे आती, तो हमारे पास कहाँ से video laryngoscope या हमारे पास fiber optic आएगी? इसमें वो क्या कहना चाह रहा है, एक ये ना हमारा एक hint दे रहा है वो कि how we, अगर कुछ भी नहीं है तो फिर कैसे intubate करेंगे? I think Jahangir will answer this question, लेकिन I think he should wait for the other candidates to answer first। इसमें ना एक वो टिपिकल बता रहा है, जैसे कहते हैं ना सीनियर ने बताया कि हमें कुछ भी ना हो तो फिर आप ये एक मनुवर कर लो तो आपको तो चल जाएगा। कहता है कि लैरिंगोस्कोपी इंट्यूबेशन डिफिकल्ट हो रही है और हमारे पास कुछ भी नहीं है तो फिर कैसे हम करेंगे उसके अंदर? सक्शनिंग कर लेंगे। वेरी गुड, एक सक्शनिंग हो गया,
एक पॉइंट ये था, सेकंड पॉइंट क्या है? भाई अब हम वैसे इमरजेंसी के अंदर खड़े हुए, हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो कह रहे हैं आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो एयर बबल्स निकलेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ पे इसका एयर है, तो आप इसको इंक्यूबेट कर सकते हैं, ठीक है ना? तो सिर्फ ये था, व्हाट वुड यू रिक्वायर टू सेफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम दी ऑपरेटिंग। हाँ, इसमें अब वो कह रहा है कि इस क्वेश्चन क्या मतलब है, 9 क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हो? ये हम रूटीन में करते भी हैं, इसके अंदर कोई खास बात नहीं है। वैसे जो हेड डाउन और लेफ्ट लेटरल करा के, हाँ वेरी गुड, ये वो ये कहना चाह रहा, ठीक है ना? और क्वेश्चन कैसे हो गया ये कि लेफ्ट राइट के लेफ्ट दोनों के साथ। और डॉक्टर इमरान, इसमें एक प्रैक्टिकल चीज है कि जैसे हम लेरिंजोस्कोपी करते हैं, अगर सामने ब्लड पड़ा है तो उसको हम मॉप भी कर सकते हैं, गाज पीस से मॉप करेंगे, उससे हमारा एयरवे जो विजुअलाइजेशन है वो क्लियर हो। हां, इसलिए वो मॉपिंग से सक्शनिंग क्लियर करें या सक्शनिंग से करें, मॉपिंग से भी कर सकते हैं आप लोग, ऐसे ही है। अच्छा, क्वेश्चन 10 का, डिस्कस पोटेंशियल पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस फॉर दिस। इसकी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? भाई वही जो प्री ऑपरेटिव चल रही है वो प्री ब्लीड कर सकता है, प्री ब्लीड हो सकता है, लरिंजियल एडिमा है, एडिमा हो गया, उसके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस वगैरह हो गए थे, वॉल्यूम हमने अभी इतने देर में सुप्रेक्ट तो नहीं कर लिया, सारा इलेक्ट्रोलाइट जो है ना सुप्रेक्ट तो नहीं कर लिया, कोएगुलोपैथी हमने सुप्रेक्ट तो नहीं कर ली ना उसकी, हमने उसकी एचपी तो सुप्रेक्ट नहीं कर ली ना, इसके साथ एक और चीज ऐड होने एडिमा हो जाएगा। अगर बच्चा है तो उसमें हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, स्ट्राइडर हो सकता है इनके अंदर, है स्ट्राइडर जो हमने पहले पढ़ा था। जी सर, ये एंड हो गया सर जी, थैंक यू जी सर, ये जो है ना बस लेकिन आई थिंक अच्छा हो गया, सबने कोऑपरेट किया तो माशाल्लाह से, सबने केस डिस्कशन का ये फायदा होता है कि कुछ ना कुछ याद तो रह जाता रहूंगा। जी सर, मैं वही बता रहा था कि कुछ ना कुछ तो याद रह जाता है, लेकिन बोलते नहीं है कम सर, मैं आई थिंक अपने कैंडिडेट्स को तो बुला बुला के बताना चाहिए, हमारे काफी सारे बैठे तो चुप बैठ रहते हैं, डॉक्टर जहांगीर तो सीनियर मोस्ट है, वही आंसर करते रहते हैं, तो क्या फायदा हुआ? ये प्रैक्टिकल बातें तो बताया समझ आती है, लेकिन नॉलेज वाली बातें तो हमारे आई एम वाले को बताना चाहिए। अब अब्दुल मीर भाई हैं, वो भी लगे रहते हैं माशाल्लाह से। अच्छा, इसमें एक चीज और थी जो मैंने कहीं पढ़ी थी, मुझे रेफरेंस याद नहीं आ रहा, उसमें था कि आप गैस्ट्रिक लवाज भी कर सकते हैं अपना उस एनजी डाल के, तो उससे ताकि जो पोस्ट सेकंड टाइम पोस्ट आप पेशेंट एस्पिरेट ना कर जाए, तो इसका सीनियर लोग बैठे हैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, वैसे आजकल इंडिकेशन है नहीं है, करते हैं प्रैक्टिकली या नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा ऐड हो जाएगा, मतलब पोस्ट ट्रांसलेक्ट में ब्लीड के साथ पेशेंट आया है, उसको हमने करवाया केस, करवाया केस हो गया, उसके बाद एक्सटुबेशन से पहले गैस्ट्रिक लवाज करना है या नहीं करना, इस पे थोड़े से कमेंट दे देंगे तो। जी डॉक्टर तनवीर भी बैठे हैं, डॉक्टर तनवीर हैं, डॉक्टर तनवीर की लें ओपिनियन। जी डॉक्टर तनवीर करें बात। अस्सलाम वालेकुम, गुड क्वेश्चन। ऐसा है कि इसका जब आप इंटुबेट कर लेते हैं, एयरवे सिक्योर हो जाता है, तो बिफोर एक्सटुबेशन आप स्टोमिक को डीप कंप्रेस कर सकते हैं, जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है ब्लड के उन्हें आप रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये हाईली जो है ये नाजिएटिंग भी है, और ये है कि जो बाद में एयरवे एस्पिरेशन से रिलेटेड जो कंसर्न है वो भी ये हो जाएंगे। तो इसमें की ये है कि आप ये कर सकते हैं जब एयरवे सिक्योर हो, इंटुबेटेड हो पेशेंट, उस वक्त आप करें। प्रायर टू इंडक्शन भी ये कंट्रोवर्शियल है, उसकी वजह ये है कि जो बच्चा है वो उस टाइम कोऑपरेटिव नहीं होगा, वो एंक्शियस होगा और वो ज्यादा स्ट्रेन करेगा, ज्यादा ब्लीडिंग होगी और ये सारा जो सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, मेरी आवाज पहुंची है सर?
जी जी बिल्कुल जी 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 सर जी सर तो कुछ और चीजें हैं इससे ईएनटी से शुरू कर लेते हैं अगर इजाजत दें सदर महफिल जी जी सर बिल्कुल करें बस अच्छा अब ऐसे है कि जो डोंट सेलेक्ट मी री ब्लीड जो है ना जिस वक्त आप हैं हॉस्पिटल में और ट्रांसलेक्ट मी री ब्लीड आ गया है ना तो ट्रांसलेक्ट मी री ब्लीड फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ सीरियस थिंग इसे रूटीन नहीं लेना कि ट्रांसलेक्ट मी री ब्लीड है जिस वक्त ये होगा आप अलर्ट कर देंगे अपने पूरे जो जो सिस्टम है एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ हमने तो एक अभी डिस्कशन किया ना कि जो जिस तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं उसमें कहीं ये जिक्र नहीं है कि आप अपनी जो हायरार्की है उसे इन्फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे तो असूल ये है कि अगर आप पाकिस्तान में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी ग्रुप में कर रहे हैं तो जो ही ट्रांसलेक्ट मी री ब्लीड आप रिसीव करेंगे आप अपने जो सीनियर है कंसल्टेंट इन्फॉर्म करेंगे कि देर इज अ री ब्लीड एंड आई एम गोइंग टू सी हिम उसकी डिटेल बताएंगे आपने अपने सीनियर को हेल्प के लिए इन्फॉर्म कर देना है क्योंकि ये सीरियस चीज है जब आप हॉस्पिटल में हैं अगर आप फर्स्ट ऑन कॉल हैं तो आपने सेकंड ऑन कॉल को इन्फॉर्म करना है कि री ब्लीड है ताकि अपने जो हेल्प है सिस्टम है उसे आपने एक्टिवेट कर देना है बिकॉज ये एक सीरियस चीज है दूसरा ये तीन चीजें याद रखनी है इसमें बाकी चीजें हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए डोंसलेक्ट मी री ब्लीड इज कंसिडर पेशेंट एज हाइपोवलीमिक फुल स्टोमिक एंड डिफिकल्ट टू इंटूबेट ये तीन ट्राइड हैं ये याद रखनी है ब्लीडिंग क्योंकि ये कंसील्ड ब्लीडिंग है हो सकता है हमें नजर आए कि जी थोड़े बहुत ब्लड होगा लेकिन इट माइट बी मैसिव ब्लीड गोइंग स्ट्रेट इनटू द स्टोमिक और जिसकी वजह से इस सिनेरियो में भी पेशेंट हाइपोवोलेमिक था पैलर था उसका ब्लड प्रेशर गिरा हुआ था पल्स जो है 140 हुई थी तो ये काफी बड़ी ब्लीड थी तो सेकेंड थिंग फुल स्टोमिक बिकॉज एवरी थिंग इज गोइंग इन टू द स्टोमिक वो बच्चा जो है वो आप खुद भी अगर नेसोफेरिंक्स में ब्लीडिंग हो रही है तो आप उसे स्वालो करते हैं अनइंटेंशनली सो इट गोज टू द स्टोमिक थर्ड थिंग इज डिफिकल्ट टू इंटूबेट बिकॉज ऑफ द ब्लीडिंग बिकॉज ऑफ द एडिमा बिकॉज ऑफ द एयर वे जो है ना उसकी अगर से सर्जरी रिसेंटली हुई है तो ऑलरेडी इंटूबेशन की जो थोड़ा बहुत एडिमा है वो ऑलरेडी है अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लीडिंग उस पे हो गई तीसरा ये है कि ईएनटी वाला उसे मॉप कर रहा है एंड सो मेनी थिंग्स सो ये तीन चीजें याद रखनी है एज ए ट्रिक फॉर एग्जाम वो जो ही बोले आपने इत्माद के साथ ये तीन प्लस चौथा आपने ये बताना है कि मैं इमीडिएटली अपना जो भी सिस्टम है उसको एक्टिवेट करूंगा आई विल इन्फॉर्म माई कंसल्टेंट माई सीनियर आई विल एक्टिवेट एवरीथिंग तो ये पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है इसे हमेशा आपने याद रखना है तीन ये प्लस ये चौथी चीज ये आपने करनी है इंशाल्लाह ही विल बी हैप्पी विद यू जी डॉक्टर आमिर जी बिल्कुल तीन ही चीजें हैं टॉन्सिलेक्टोमी में फुल स्टोमिक है ब्लीडिंग है और पार्शियल उसका रिवर्सल है तो ये सर ने बता दिया नेक्स्ट जी अगर इजाजत हो तो एक और चीज ऐड करना चाहूँ जो इसमें था ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया उसका पूरा मैं डिटेल से बता सकता हूँ क्योंकि काफी अर्सा ईएनटी के ये केसेस करते रहे हम जी जी बिल्कुल बताएं अच्छा हमारी प्रैक्टिस में हम जो देखते हैं ना इस टाइम हम इसे बिल्कुल कंसीडर ही नहीं करते कि ये भी कोई चीज होती है ऐसे कि ईएनटी सर्जरी जो है टॉन्सिलेक्टमी एडिनो टॉन्सिलेक्टमी स्पेशली जिसमें एडिनो और टॉन्सिल दोनों जिसमें हों तो एक पूरा एक प्रोटोकॉल है क्वेश्चनेयर का उसमें यानी कि प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन में हमने पेशेंट को मार्क करना है कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में लो है माइल्ड है मॉडरेट है या सीवियर है हर बच्चा जिसे एडिनो टॉन्सिल है उससे स्लीप एपनिया है माइल्ड स्लीप एपनिया उससे है ही है ठीक है सेकेंडली ये होता है कि उसके 10 क्वेश्चनेयर हैं उसमें अगर दो या तीन तक अगर टिक मार्क हो रहे हों तो वो माइल्ड स्लीप एपनिया है अगर पांच से सात तक हो मॉडरेट है अगर 8, 9, 10 तक जा रहे तो सीवियर स्लीप एपनिया है जब सीवियर स्लीप एपनिया है तो फर्स्ट वो चाइल्ड डिफिकल्ट फॉर इंटूबेशन होगा सेकेंडली वो चाइल्ड जो है वो
एग्जेजरेटेड उसका रिस्पॉन्स होगा नार्कोटिक का, उसे अगर आप मॉर्फिन या कोई भी चीज देखते हैं वो वेकअप करना उसे डिफिकल्ट हो जाएगा। थर्ड चीज यह है कि जो सीवियर स्लीप एपनिया है उसमें हमें पहले से ही HDU जो केयर है मॉनिटरिंग वो हमें रखनी है, उसके लिए रेडी रखनी है, क्योंकि वो चाइल्ड जो है वो उसकी जो अराउजल है वो डिफिकल्ट होगी, उसके एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। थर्डली वो बच्चा जो है वो एपनिक हो सकता है बिकॉज ऑफ दी पेन किलर नार्कोटिक। इसलिए ये जो मॉडरेट टू सीवियर है इसे कभी भी एज ए डे केस आप नहीं कर सकते। डे केस सर्जरी आप करेंगे जो माइल्ड स्लीप एपनिया वाला है। और वो जो 10 क्वेश्चनेयर हैं इस वक्त तो मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर मुझे मिले तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और इसमें जो बेस्ट है एज ए प्रैक्टिस तो मॉडरेट टू सीवियर में तो टोटली नार्कोटिक ट्राई करें, अवॉइड करें। और इसमें जो डेक्समेटिटोमिडीन ड्रग है वो बेहतरीन ड्रग है, उससे बड़ी नेचुरल और उसमें नेचुरल रिकवरी होती है, पेन भी वो कवर करती है, और तीसरा यह है कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस भी कम होते हैं। तो ये इसमें मेरी टिप थी जो यानी बहुत ऐसा प्रैक्टिस करने के बाद हमने नोट की, और इसका एक पूरा एक प्रोटोकॉल बना हुआ था। इसलिए आप देखते हैं कि जब भी एक बच्चा जिसे एडिनोइड टॉन्सिल है और वो माउथ ब्रीदर है, एक्सक्लूसिव माउथ ब्रीदर है, उसकी आप देखते हैं कि जब रिकवरी होती है उसकी अजीब सी उसकी एजिटेशन होती है बच्चे की, या वो वेकअप हो ही नहीं रहा होता, और हमें इल्म नहीं होता कि इसे हमने जो एनल्जीजिया दिया है उसमें नार्कोटिक है, तो उसकी वजह से वो उठ नहीं रहा होता। अगर वेकअप होता है तो फिर उसमें वो अजीब सी ब्रीदिंग उसका पैटर्न होता है। तो ये बच्चा जो है इसको HDU के केयर की जरूरत है, जिसमें 1-to-1 जो है ना ऑब्जर्वेशन उसकी हर वक्त होनी चाहिए पहले 24 आवर्स। इसमें अगर वो बच्चा वार्ड चला गया है या उसको घर भेज दिया गया है तो इसमें बड़ा डिजास्टर हो सकता है एयरवे चोकिंग की वजह से। तो ये मेरी यानी के जस्ट इसमें टिप थी फर्दर, जो प्रैक्टिकली कई साल जो है ना ENT की प्रैक्टिस में मैंने देखी है। प्लीज डॉक्टर आमिर बैक टू यू। जी जी सर, काफी मेरा भी डिस्कशन होगी इस पे तो टाइम भी हो गया, अब रोजा रखना तो आप ये देखें जी, आप रोजा रख रहे हैं और मैं रोजा खोल रहा एक मिनट कहाँ पे है रोजा, ये देखें जी रोजा मैं इफ्तार कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह आपके इफ्तारी टाइम है। जी जी आपका सहरी का होने लगा होगा जी, आप करें। तनवीर भाई हमारे जो है ना इस ऑनलाइन क्लासरूम को तकरीबन एक साल हो गया, 27 अप्रैल को 1 ईयर कम्प्लीट हो जाएगा, एक साल अनइंटरप्टेड जा रहे हैं। वेरी गुड, तो कोई केक वगैरह काटें जनाब इस पे ऑनलाइन कोई एक मुझे भी दिलवाएं इंशाल्लाह। इस पे मैंने कहा है इमरान को कोई तो पोस्टर बना के तो कुछ उसको भी सर्कुलेट करते हैं और बाकी को केक शेक भी काटते हैं। ठीक है सर, आप इफ्तारी करें, दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। मैं डिस्कशन में शामिल हूं, आप जारी रखें। जो दूसरे टॉपिक थे वो भी बहुत अहम थे, मैं चलें उसमें सुनता रहूंगा उसकी तरफ चलें। टाइम भी खत्म हो गया क्लास का, जो जाग रहे थे उनको भी नींद आ गई होगी। ओके इमरान, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।